ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की सीरीज में आपका इस्तकबाल है। ये ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर 2.59 के साथ शुरुआत करने और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ब्लेंडर 2.59 को नसब करने और रन करने के बारे में है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलें। मैं फायरफॉक्स 3.09 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एड्रेस बार में टाइप करें www.blender.org और एंटर दबाएं। ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है। ब्लेंडर वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉलर या सोर्स कोड दस्तियाब है। यहाँ पेज के हेडर के नीचे दाएं तरफ डाउनलोड ब्लेंडर लिंक है। डाउनलोड पेज पर जाने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, ये ब्लेंडर का ताज़ा तरीन वर्जन है। आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉलर। आप अपनी मशीन के मुताबिक किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 32 बिट और 64 बिट सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए ब्लेंडर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर हमारे ट्यूटोरियल को देखें। वेबसाइट ब्लेंडर प्रोग्राम फाइल्स के ज़िप्ड आर्काइव भी फराहम करती है। ब्लेंडर को रन करने के लिए जरूरी तमाम फाइल्स इस आर्काइव में हैं। आपको अपनी पसंद के फोल्डर में फाइल्स को अनजिप और एक्सट्रैक्ट करना होगा और ब्लेंडर एग्जीक्यूटेबल को रन करना होगा। मैं समझाता हूँ। इंस्टॉलर और आर्काइव के बीच अहम फर्क ये है कि इंस्टॉलर ब्लेंडर एप्लीकेशन फाइल्स को सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में रखता है। स्टार्ट मेन्यू में एक आइकन और डेस्कटॉप पर एक आइकन रखता है और ब्लेंडर के साथ डॉट ब्लेंड फाइल्स डिफॉल्ट तौर पर ओपन करता है, जबकि ज़िप आर्काइव में सभी एप्लीकेशन फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल ब्लेंडर फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में हैं, जिसे कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में कॉपी किया जा सकता है। अब अगर मैं मेरी मशीन के लिए आर्काइव का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे 32 बिट आर्काइव की ज़रूरत है। 32 बिट आर्काइव के लिए डाउनलोड लिंक पर बायां क्लिक करें और डाउनलोड शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स 3.09 है। यहाँ दिखाए गए डाउनलोड के स्टेप्स दीगर तमाम इंटरनेट ब्राउजर्स में एक जैसे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड प्रोग्रेस। ग्रीन वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ ये हॉरिजॉन्टल डाउनलोड बार जाहिर करता है कि कितना डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड की रफ्तार आपके इंटरनेट कनेक्शन पर इन्हिसार करती है। बराए मेहरबानी इसके मुकम्मल होने तक इंतजार करें। आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले डाउनलोड पर दायां क्लिक करें, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पर बायां क्लिक करें, ज़िप पर बायां डबल क्लिक करें। ये विनज़िप जैसा एक आर्काइवर खोलेगा जो किसी भी विंडो मशीन में डिफ़ॉल्ट तौर पर नसब होता है। एक्सट्रैक्ट पर बायां क्लिक करें, फहरिस्त से अपना फोल्डर मुंतखब करें। मैं माय डॉक्यूमेंट्स में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट पर बायां क्लिक करें। ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ ये प्रोग्रेस बार जाहिर करता है कि कितना एक्सट्रैक्शन हो गया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर देख सकते हैं।
फोल्डर को खोलने के लिए बायां डबल क्लिक करें। ब्लेंडर एग्जीक्यूटेबल पर बायां डबल क्लिक करें। विंडो एक हिफाजती इंतबाह की अक्कासी करता है। The publisher could not be verified. इससे परेशान न हो, रन के बटन पर क्लिक करें। अब अगर आप इंस्टॉलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ब्लेंडर वेबसाइट पर वापस जाएं। पेज पर सबसे ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करें, ये हमें वापस डाउनलोड पेज पर ले जाता है। मेरी मशीन के लिए मुझे 32 बिट इंस्टॉलर की जरूरत है, लिहाजा मैं 32 बिट इंस्टॉलर के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूं और डाउनलोड शुरू हो जाता है। समझाने में आसानी के लिए मैंने मेरी मशीन पर ब्लेंडर वेबसाइट से इंस्टॉलर पहले से ही डाउनलोड किया है। मैं अब तंसीब के स्टेप्स बताता हूँ। इंस्टॉलर पर बायां डबल क्लिक करें। विंडो सिक्योरिटी इंतबाह अक्कासी करता है। द पब्लिशर कुड नॉट बी वेरीफाइड। इससे परेशान न हो, रन के बटन पर क्लिक करें। तो अब ब्लेंडर सेटअप विजर्ड इस तरह लग रहा है। तंसीब के अमल के अगले मरहले में जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉलर लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाता है। बाकी एग्रीमेंट देखने के लिए पेज डाउन पर क्लिक करें। मैं इसे पढ़ने का मशवरा देता हूँ। ज़हन में रखें कि ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है। आपको ब्लेंडर की तंसीब के लिए इस लाइसेंस एग्रीमेंट को तस्लीम करना होगा। जारी रखने के लिए आई एग्री के बटन पर क्लिक करें। ये दूसरा मरहला आपको तंसीब के लिए अज़ा का इंतखाब करने की इजाज़त देता है। मैं आपको डिफ़ॉल्ट तौर पर मुंतखब तमाम अज़ा को नसब करने का मशवरा देता हूँ और इंस्टॉलेशन जारी रखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ आपके पास ब्लेंडर के लिए तंसीब की जगह का इंतखाब करने के लिए ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट तौर पर प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर मुंतखब है, जो ब्लेंडर को इंस्टॉल करने के लिए एक अच्छी जगह है। लिहाजा आगे बढ़ें और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ ये प्रोग्रेस बार जाहिर करता है कि तंसीब कितनी मुकम्मल हुई है। आमतौर पर ये मुकम्मल होने में एक मिनट से भी कम वक्त लेता है। ये ब्लेंडर सेटअप को मुकम्मल करता है। ब्लेंडर आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो गया है। रन ब्लेंडर चेक बॉक्स को मुंतखब रहने दें। फिनिश के बटन पर क्लिक करें। ब्लेंडर खुद ब खुद रन होगा। शर्त ये है कि ब्लेंडर बाइनरी ओरिजिनल एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरी में है। ब्लेंडर किसी इजाफी इन्हिसार या एडिशनल डिपेंडेंसीज के बगैर सीधा रन होगा। कोई भी सिस्टम लाइब्रेरी या सिस्टम प्रेफरेंसेस तब्दील नहीं होती। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ब्लेंडर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना सीखा। अब ब्लेंडर वेबसाइट से ब्लेंडर डाउनलोड करने की कोशिश करें और इंस्टॉल करें और अपनी मशीन पर ब्लेंडर रन करें। इस प्रोजेक्ट को हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस पर मजीद मालूमात इन वेबसाइटों पर दस्तियाब हैं: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है। उनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस ईमेल एड्रेस पर राबता करें contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।